कैसे हैं? आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस बीच अभी मैंने आपने पिछले में जो वीडियो में देखे होंगे वो फिशर पे थे। दो वीडियो मेरे फिशर पे थे कि फिशर में ऑपरेट कराना है नहीं कराना है, या ऑपरेट सही है या नहीं है। इस टॉपिक पे मैंने पिछले दो वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। और ये टॉपिक हटके इसलिए है, मैं इस टॉपिक को इसलिए आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अभी अभी कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और आपको वैसे भी आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इंजेक्शन वाले इलाज के बारे में हम इसमें बात करेंगे, कि खूब फेमस है, सब लोग कराते हैं, इंजेक्शन लगवा लो इंजेक्शन लगवा लो, फाइल्स है तो इंजेक्शन लगवा लो। कोई आता है खूब सारे इंजेक्शन लगाता है, दिन भर रुकता है, बहुत सस्ता इलाज है, सस्ते में करता है, 1000, 1500, 1200 रुपये में इंजेक्शन लग जाते हैं, लोग भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, इंजेक्शन लगा देते हैं, सुबह से शाम तक में इंजेक्शन लगा के वो चले जाते हैं, बहुत सारे लोग उस इलाज को कराते हैं। तो मैंने सोचा कि आज उसी टॉपिक को कवर किया जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ पेशेंट मेरे पास अभी आए थे, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इंजेक्शन वाला इलाज क्या होता है? इंजेक्शन वाला इलाज एक्चुअली वाकई में एक इलाज होता है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ही बोलेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं हेमरॉइड में, हेमरॉइड मतलब जिसको आम भाषा में अपन लोग पाइल्स बोलते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये जो इंजेक्शन है एक मेडिसिन का होता है, मैं उस मेडिसिन का नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा, नहीं तो बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो वो एक मेडिसिन होती है, उसको पाइल्स में इंसर्ट किया जाता है और वो एक्चुअली फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस आप समझो कि सुखा देता है, मान लीजिए कि वो मस्से में लगाते हैं, पाइल्स के पाइल्स जो होता है छोटा मस्सा उसमें लगा देते हैं और मस्सा सूख जाता है, बेसिक उसका काम ये है। अब होता क्या है कि जब पेशेंट को लगता है कि उसको पाइल्स हो गया है तो वो इंजेक्शन लगवाने किसी के यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि क्या उस पेशेंट को वाकई में पाइल्स है, क्या वो वाकई में पाइल्स से सफर कर रहा है, क्योंकि इस इंजेक्शन थेरेपी का जो मुख्य जो काम है वो सिर्फ पाइल्स में है और किसी डिजीज में उस चीज को यूज नहीं करते हैं। या आप कहें कि फिशर है तो इंजेक्शन लगवा लें तो ठीक हो जाएगा, या फिशचूला है या एब्सेस है तो इंजेक्शन लगा लें तो ठीक हो जाएगा, तो इस सब में नहीं होता है। इंजेक्शन थेरेपी जो होती है वो सिर्फ हेमरॉइड में होती है, और हेमरॉइड में भी कुछ ग्रेड्स होते हैं, पाइल्स के कुछ ग्रेड होते हैं, हमेशा इंटरनल हेमरॉइड में उस इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि किसी भी आपको प्रॉब्लम है, बस आपको मोशन के रास्ते में सुबह टॉयलेट में खून आ गया, आपने सोचा पाइल्स है, किसी ने आपको बताया कि फलानी होटल में कोई आता है, इधर कोई आता है, वहां जाके आप पाइल्स का ट्रीटमेंट करा लीजिए, हम तो बहुत अच्छे हो गए, और वहां जाके आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, आपको इस तरह से अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और किसी को अधिकार भी नहीं है कि आपके शरीर के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ करे, क्योंकि यदि आप गलत डिजीज में गलत प्रॉब्लम में इंजेक्शन थेरेपी लेते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात तो अगर गलत तरह से इंजेक्शन लग गया है तो आपको सीवियर पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे, इतना पेन होगा। दूसरी बात, अगर वो गलत जगह लगा है तो आपका घाव पक सकता है, आपके मोशन के रास्ते में फोड़ा बन सकता है, वो फिस्चूला बन सकता है, बहुत बड़ा एब्सेस बन सकता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और उसको ठीक करने में कई महीनों लग जाते हैं उसको ठीक होते होते, तो ये भी बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप गलत तरह से इंजेक्शन लग जाता है, गलत बीमारी में लग जाता है, कोई दूसरी तकलीफ और आप इंजेक्शन लगवा लिया है, तो आपका मोशन का रास्ता संकरा हो सकता है हमेशा के लिए, मतलब मोशन का रास्ता आपका एकदम स्टिफ हो सकता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी मोशन के रास्ते में होती है वो खत्म हो जाती है, वो नैरो हो जाता है, बहुत ही संकरा हो जाता है, जिससे आप डेफिकेट करने में बहुत मुश्किल होती है और वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है और उसको ठीक करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आते हैं। तो इंजेक्शन थेरेपी जो है सिर्फ और सिर्फ हेमरॉइड यानी पाइल्स में यूज होता है, और वो भी इंटरनल हेमरॉइड्स में यूज होता है, और बहुत ही सावधानी से करने वाला प्रोसीजर है। उसको मेडिकल सेटअप में करते हैं, उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करते हैं, सर्जिकल प्रैक्टिशनर्स करते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं, वो लोग इसको अपने सेटअप में करते हैं। वो मेडिसिन जो होती है वो भी काफ़ी
खतरनाक होती है, अगर गलत तरह से लग जाए तो बहुत नुकसान करती है, उसके और भी शरीर में बाकी नुकसान भी होते हैं, वो भी एक बात है। तो हमेशा इंजेक्शन थेरेपी में याद रखिए कि आप जब भी इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लें तो उस व्यक्ति का मेडिकल प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, अगर वो उसके पास डिग्री नहीं है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कभी आता है कहीं बाहर से इंजेक्शन लगा के चला जाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है आपसे कि आपको क्या तकलीफ है, आपको फिशर है कि फिस्टुला है कि हेमरॉइड है कि एनल वॉर्ट में भी लगा देते हैं, एनल वॉर्ट्स भी हैं या और कोई प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों में वो सब सिर्फ इंजेक्शन लगा के और आपको चले जाएंगे, और वो कहाँ चले जाएंगे आप उन्हें मिल भी नहीं पाओगे, और बाद में फिर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर आप डॉक्टर टू डॉक्टर, डोर टू डोर, इधर उधर इधर उधर परेशान होते हैं और आपको तकलीफ होती है, वो अलग। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से मिलिए और डायग्नोसिस देखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली आपको क्या समस्या है, आपको पाइल्स है कि आपको फिशर है या फिस्टुला है, क्या है। और जब आपका डायग्नोसिस परफेक्ट हो जाए कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसमें इतने सारे ट्रीटमेंट हैं और इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही होगा। अगर हेमोराइड है तो ज़रूरी नहीं कि इंजेक्शन ही लगे, उसमें और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि नॉन सर्जिकल हैं और उनसे भी आप ठीक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंजेक्शन लगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना शरीर मत दीजिए कुछ करने के लिए जिसमें आपको नुकसान हो और आपको भुगतना पड़े बाद में, क्योंकि इंजेक्शन थेरेपी जो है वो सही है, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से लगाया जाता है, वो मेडिकल प्रोफेशनल्स जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको देखते हैं कैसे करना है हमें पता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर वो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है और कहीं से आया है, किसी ने उसके यहाँ देख लिया, कुछ सीख लिया, अब उस इंजेक्शन में कौन सी मेडिसिन है, आपके शरीर में वो क्या डाल रहा है आपको नहीं मालूम, आपको लग रहा है सिर्फ कि वो तो भैया 1,000 रुपये में ऑपरेट कर रहा है, डॉक्टर तो 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा बता रहा है, हमारा 1200-1500 रुपये में इलाज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे आके अपना इलाज करा लेते हैं, ये बहुत ही गड़बड़ बात है, इस तरह से आप मत कीजिए। आप सही सलाह लीजिए डॉक्टर से, जब वो आपको सलाह दें कि इस तरह का करना है तो उन्हीं से इस ट्रीटमेंट को कराइए, इस तरह से किसी क्या ट्रीटमेंट आप मत लीजिए, अगर आप लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि इंजेक्शन वाला जो इलाज है वो इलाज करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, अगर आपका मन है उस इलाज को कराना है आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसको एक हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशनल से कराना बहुत जरूरी है। हमारे पास तो दूसरे ट्रीटमेंट है, हम तो आयुर्वेदिक हैं, तो हमारे पास चार सूत्र है, हमारे पास दूसरी मेडिसिन हैं, और वैसे तो पाइल्स में मैंने फिशर में जैसे आपको बताया, पाइल्स में भी हमको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे तो 95% जो केसेज हैं, पेशेंट्स जो हैं, वो मेडिसिन से ही एकदम ठीक हो जाते हैं, हमको ऑपरेट की जरूरत नहीं पड़ती है, और पड़ती भी है तो हम चार सूत्र करते हैं, हमको उस चीज़ की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, जो कहीं कहीं इस तरह के इलाज करवा लेते हैं, उनको जो प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनके साथ डील करते हैं, उनको हमको ठीक करना पड़ता है, और ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, उनको भी तकलीफ होती है, हमको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप समझ लें कि इस इलाज को लेने के पहले आपको क्या ध्यान रखना है। आप इलाज लीजिए, इलाज ऐसा होता है, ये कोई फेक चीज़ नहीं है, होता है इलाज, लेकिन आप उसके बारे में पहले जान लीजिए कि वो एक मेडिसिन होती है, सिरिंज में उसको फिल करते हैं, इंजेक्शन जैसे शरीर में बाहर जगह लगता है, वो मोशन के रास्ते के अंदर जो हेमरॉइड रहता है उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, तब जाके वो ठीक होता है, वहाँ उसको फाइब्रोसिस होता है, मतलब वो मसा सूखता है, जैसे आम भाषा में अपन कहें तो मसा सूखता, ये उसका प्रोसीजर है। लेकिन अब उसको कोई नौसिखिया या कोई कोई ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जो नॉन प्रोफेशनल है और उसने कहीं देख लिया है और वो करते आ रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान होने वाला है। इस वीडियो में मैं इसी इंजेक्शन वाले इलाज के बारे में आपको बताना चाह रहा था, आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको कई तरह के ट्रीटमेंट्स और आने वाले कई तरह के इलाजों के बारे में बताऊंगा कि कितने तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें क्या इलाज आपके लिए अवेलेबल है, क्या इलाज आप करा सकते हैं, उन इलाज के क्या फ़ायदे हैं, उनके इलाज के क्या नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो दर वीडियो में आपको इसमें लाता रहूँगा, जैसे जैसे वीडियोज़ आप देखते रहिएगा उसमें अलग अलग हम टॉपिक उठाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बस जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।